Hey guys, welcome back. I hope you guys are doing good, happy, healthy, fine. Let me know if everything is clear and you can see the class. Hello, hello. Good evening, guys. Welcome back to today's session. All of you know my name is Supreet Dhamija and I teach on Unacademy Plus. I have been teaching since the past 2 years और ये channel जो है उसमें हम लोग करते हैं discuss about our different videos जो हम वहाँ पर नहीं कर पाते हैं या फिर time schedule की वजह से नहीं discuss हो पाता है. So for all of that I am here and I am going to start today's session जल्दी से. So just waiting for a couple of more students to join. दिस वॉज अ वेरी रिक्वेस्टेड क्लास. मतलब लास्ट अगर कोई ऐसा क्लास है जो सबसे ज़्यादा बारी पूछा गया हो कि मैम कब होगा फाइनली, तो वो यही है. सो आई एम हैप्पी कि आज हो पा रहा है डिस्कस इस बारे में और टाइम भी था हमारे पास इतना. अभी एग्जाम भी पोस्टपोन्ड है तो अभी हमारे पास टाइम है, हम ढंग से वाला कर सकते हैं डिटेल में टॉपिक. एनी वे लेट्स स्टार्ट विथ टूडे सेशन. अगर आपको फ्री स्टडी मटीरियल या और डिटेल्स चाहिए है तो मैंने लिंक जो है वो पिन कर रखा है अभी टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो. वो एक पब्लिक ग्रुप है, उस पर मैं जो मुझे रेफरेंस मटेरियल इंपॉर्टेंट लगता है वो सेंड करती रहती हूँ. अगर आपको मेरे पीडीएफ और नोट्स और मेरा अपना पर्सनल कंटेंट चाहिए तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. उसका रेफरल कोड सुप्रीत लाइव या सुप्रीत धमीजा है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी प्लस पे. सो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे सारे क्लासेस पीडीएफ्स अपडेट्स उसके लिए. ऑल्सो नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई थिंक तुम लोगों को मैंने 9 बजे का टाइम इन्फॉर्म कर दिया था. सो अभी तक तुम लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए था. फिलहाल मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू डिले मोर. सो एक्चुअली क्या है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया. स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जैसे भारत में जो राजनीति चल रही है वो आज से तो कोई न्यूली डेवलप्ड है नहीं, और इसका जो रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा जाता है इंडिपेंडेंस के टाइम से, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और वो थी कांग्रेस. जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं इंडियन सिस्टम में जिसको आप एक लेमन शब्द में नहीं समझ पाओगे, आप पॉलिटिकल साइंस के ही बैकग्राउंड से उसे समझ सकते हो. एंड इसलिए इस रेफरेंस में ही हमें बहुत बहुत कंपलसरी है कि हम कुछ स्पेशल ऑथर्स पढ़ें, जैसे रजनी कोठारी, जैसे पॉल ब्रास, मायरॉन वीनर, मॉरिस जोन्स. इसके अलावा आशुतोष वार्ष्णेय है, अतुल कोहली है, रुडोल्फ रुडोल्फ है, ठीक है, फ्रैंकल है, फ्रांसिस फ्रैंकल. पर ऑफ कोर्स मेरे पास जितना टाइम है मैं उस हिसाब से आपको लिमिटेड ही बताऊंगी. टाइम से भी ज़्यादा ये है कि भर ना जाए दिमाग, ऐसा ना हो कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते ज़्यादा निकल जाए. सो वी आर गोइंग टू कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प, लिमिटेड, लेकिन समझ आना चाहिए जितना करा है. ऑल्सो आई एम बिगनिंग अ न्यू कोर्स ऑन अनअकैडमी ऑन 12th में. ये एक कंप्लीट कोर्स है, 7 बजे से स्टार्ट होगा. सब्सक्रिप्शन काफ़ी लोग अभी तक ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं लिया है यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. टॉकिंग अबाउट सबसे पहला पॉइंट, इंडियन सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है. भारत में जो चल रहा था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चल रहा था एंड इंडियन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था. अगर आप फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहोगे तो आपको एक नाम नज़र आएगा, रॉबर्ट मर्टन. रॉबर्ट मर्टन ने हमें फंक्शनलिज्म का अप्रोच दिया था. मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करवा देती हूँ. हम लोग जिस हिसाब से इकोनॉमीज जानते थे वर्ल्ड की, हम मार्क्सिज्म के तौर पर जानते थे हमेशा से. हमारी रेफरेंस में मार्क्सिज्म वॉज लाइक द टॉप नॉच थ्योरी. और जितना भी फंक्शनिंग है, चाहे वो पीजेंट्स की रिवोल्ट्स हों, चाहे वो हमारे देश में एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन हो, गरीब अमीर का फ़र्क हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, वो मार्क्सिज्म की लाइट से ही समझा जाता था. अनटिल एंड अनलेस वी गॉट सम थ्योरीज लाइक फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्निटी, ऑफ चेंजेस, ठीक है. एंड उस रेफरेंस में अमेरिका एक लीडिंग जगह थी, बिकॉज अमेरिका में मर्टन का जो आइडिया है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट शो कर रहा था.
उस दौरान हमें ये लगता है कि क्या हमें इंडियन पॉलिटिक्स को उस प्रिज्म से पढ़ना चाहिए है? क्या अमेरिका की लाइट में इंडिया कैसे समझ सकता है अपनी थ्योरीज को? शुड बी डू दिस? इंडियन स्कॉलर्स काफ़ी डरे हुए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उनके पास अभी एक रास्ता तय ही नहीं था डेवलपमेंट का. दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडियन इकोनमी या ग्रोथ कैसे आगे बढ़ेगा. उनके लिए अमेरिकन लाइट में इंडिया को देख पाना काफ़ी इम्पॉसिबल कार्य था. एंड दैट इज़ वाई जो मजॉरिटी स्टडीज़ हैं भारत में, उसकी पॉलिटिक्स की स्टडी, उसकी स्टेट की स्टडी है, दैट केम थ्रू मायरॉन वीनर, मॉरिस जोन्स एंड लॉर्ड एंड सुजैन रुडोल्फ की जोड़ी, जिनको अक्सर इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हुए देखा जा सकता है. सो माइंड यू, द फर्स्ट सेट ऑफ स्टडी वॉज ऑलवेज डन बाय द अमेरिकन स्कॉलर्स देमसेल्स. पहला सेट ऑफ स्टडी जो है वो अमेरिकन स्कॉलर्स ने खुद कैरी फॉरवर्ड करा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए शायद हमारी हिस्ट्री में उनका नाम इतना पॉपुलर हो गया. भारत अपने कल्चर को अपने से सेपरेट कभी नहीं कर सकेगा, वैसे कोई भी राज्य नहीं कर सकता, पर भारत इन पर्टिकुलर कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत बहुत कॉम्प्लेक्स है. भारत का कल्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जाति है, धर्म है, भाषा है. आप अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरोगे जब आप इंडिया को पढ़ने आओगे. एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन स्कॉलर्स को ये पता था कि हम किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा था. एंड इसलिए वो ये कह रहे थे कि एक नया नया डेमोक्रेटिक राज्य, एक नया डेमोक्रेटिक राज्य कैसे बाहर के प्रेशर को संभालेगा. उसमें बहुत सारे प्रेशर हैं, राजनीति का प्रेशर है, कल्चर का प्रेशर है, धर्म का प्रेशर है, जातियों का है, पॉलिटिक्स का है, कैसे करेगा. एक ऐसी सोसाइटी जिसको आप एग्रीकल्चर के रूप में अंडर डेवलप्ड और किसी जगह पर ना खड़े होने वाली सोसाइटी देख रहे हो, वो कैसे प्रोग्रेस करेगी इतने प्रेशर में. तो ये लोग ये पढ़ना चाहते थे, और उन्हें इस जानकारी तक ले जाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में कुछ क्लैरिटी नहीं है, एथनिसिटी, धर्म, भाषा कुछ क्लियर नहीं है. अगर आप कोलकाता में रह रहे हो और आप सरदार हो, तो आप पंजाबी नहीं भी बोलोगे तो इंडिया में कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और आप बंगाली बोलोगे तो चलेगा, बिकॉज आप उस एथनिसिटी, उस कल्चर का हिस्सा बन गए हो. और अगर आप भारत में एक सिख हो पर आप एक मुस्लिम राज्य में रहते हो या एक मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ रहते हो, तब भी आपका कॉन्सेप्ट चलेगा वहां पर इंडिया में. अगर आप एक मुस्लिम हो और आप पंजाब में रहते हो और आप पंजाबी बोल पाते हो, तब भी इंडिया में ये चलेगा, बिकॉज देर इज नो क्लैरिटी. भारत में बहुत ओवरलैपिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है चीजें. उस दौरान हमें एक इंडियन ऑथर की नजर से भारत को क्लियर करने का मौका मिला. सो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो इंडिया में सेपरेशन को दिखाना चाह रहे थे कि देखो देखो ऐसे काम हो रहा है भारत में, जैसे मर्टन अमेरिका में फंक्शनलिज्म कर रहे थे. याद रखिएगा द गोल्डन वर्ड फॉर टुडेज क्लास, रजनी कोठारी भारत में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लेकर आए थे. जिस हिसाब से रॉबर्ट मर्टन अमेरिका में फंक्शनल अप्रोच लाए थे, हमारे इंडियन स्कॉलर रजनी कोठारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को भारत में लेकर आए थे. रजनी कोठारी के अलावा हमारे पास दूसरा नाम कौशनिक का भी है. कौशनिक भी फंक्शनलिस्ट अप्रोच के थिंकर हैं. इन लोगों का इनिशियल फोकस, मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई इस देश के अंदर रहकर अगर काम कर रहा है, तो उसका इनिशियल फोकस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकता है, कांग्रेस द्वारा चलाई जाई सरकार का सिस्टम हो सकता है. आप इसमें कोई डिनाय ही नहीं कर सकते. भारतीय स्कॉलर्स कांग्रेस से ऑब्सेस्ड थे, उन्हें पता था कि देश में जो भी हो रहा है वो इसी पार्टी के थ्रू ही समझा जा सकता है. 1970 तक इस पार्टी ने अपने आप को हेजेमोनिक रूप में स्टैब्लिश कर लिया. पीक पर थी कांग्रेस अपने, लेकिन जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का डाउनफॉल आता है, कांग्रेस का भी आया. 1977 एक ऐसा इलेक्शन होने वाला था जब भारत में कांग्रेस अपनी पहली गंदी हार देखने वाला था. लेकिन किसी भी हार की तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती है. किसी बड़ी पार्टी को उसकी जड़ से फेंकना मतलब सालों साल तक उस जड़ पे अटैक करते रहना,
और ये स्टार्ट हुआ था 1960s की स्टार्टिंग से, जिस समय रीजनल पार्टीज राइज पर आई। जब रीजनल पार्टीज आई ना, तो हमें समझ आया कि जो पार्टी खुद को एक अम्ब्रेला पार्टी के रूप में दिखा रही थी, जो कहती थी मैं सारी कम्युनिटीज को, सारे लोगों को जगह दे रही हूँ अपने नीचे, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सड़क में गड्ढे भरने का काम कर रही थी, और हर बारिश में कोई नया गड्ढा आ रहा था, हर बारिश में हर सड़क में से कोई एक जगह टूटती जा रही थी, और उसे चुप कराने के लिए कांग्रेस उसका मुंह शांत कर देती थी, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देके तो दूसरा गुस्सा हो जाता था, तो उसका एक्स्ट्रा देके, तो तीसरा नजर नाराज हो रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देके, लेकिन कभी साफ क्लियर ओवरऑल पेडेस्टल पे डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था। उस दौरान सारे स्कॉलर्स जो इंडिया को पढ़ रहे थे, उन्होंने नोटिस करा कि अब भारत में फैक्शंस आने लगे हैं, क्या भारत टूट रहा है, क्या भारत में छोटे छोटे गुट बन रहे हैं जो अपने आप को मेन सरकार से असंतुष्ट पा रहे हैं। आंसर निकला यस। और कौन भारत के फैक्शंस को ज्यादा बेहतर समझ सकता है सिवाय पॉल ब्रास के। पॉल ब्रास वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स है जिसने 1965 में सबसे पहले फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट नाम की स्टडी दी, और आज तक माइंड यू 2021 तक इसके अलावा इंडियन पॉलिटी को, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, चाहे यूपी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे हमारा मेन स्ट्रीम बिहार पॉलिटिक्स हो, इन सबको समझने में और कोई भी स्टडी ऐसी नहीं आई है। सो पॉल ब्रास इज वन ऑफ दोज पीपल जो 1965 में फैक्शनल स्टडी इन इंडियन स्टेट देकर नॉर्थ इंडियन की जो इलेक्शंस है उसको डीपली एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। फाइनली फाइनली जब 1977 में फाइनली कांग्रेस लॉस्ट इट्स फर्स्ट मेन इलेक्शन, तो भारत में एक कह सकते हो पॉलिटिकल क्राइसिस का अंत हुआ। अभी स्कॉलर्स के मन में कुछ और आने लगा, उन्हें ऐसे लगने लगा कि यार हम दो ही चीजें तो देखते आए हैं, कांग्रेस इकलौती पार्टी बाहर से प्रेशर झेल रही है, बाहर से ही प्रेशर फेंके जा रही है, अपने अंदर तो इफेक्ट होने नहीं दे रही, वहां तो प्रॉपर हायरार्की सिस्टम है, अपॉइंट भी वही लोग हो रहे हैं जो कांग्रेस की परिवारवाद से रिश्ता रखते हैं, जगह भी उन्हीं को मिल रही है जो टॉप पे है, क्या करा जाए, व्हाट हाउ टू सॉल्व द इशू। सॉल्विंग इशू ऐसे है कि आप ये भी तो एहसास करो कि भारत में प्रेशर ग्रुप भी तो एक्टिव हो रहे थे, ये प्रेशर ग्रुप भी तो एक्टिव हो रहे थे, सिवाय एक प्रॉब्लम के, भारत के पास ऑपोजिशन नहीं था, ऑपोजिशन नहीं था जैसे आज नहीं। हम लोग एक कंसर्न में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी ऑपोजिशन की कोई जगह नहीं है, हम कैसे अपने आप को डेवलप करें, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फंस गए थे। उस दौरान हमने मदद ली सैमुअल हंटिंगटन की किताब पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी से, जो कि 1968 में डेमोक्रेसी को केटर करने वाला, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी को केटर करने वाला एक बहुत अहम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के थ्रू पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आइडियाज को इंडियन स्कॉलर्स ने अपने अंदर उतारने की कोशिश करी, और क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द गवर्नेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज 1976, अगेन अ बुक रेफरिंग टू द सेम आइडियाज, इसके दौरान हमारे पास आता है, एंट्री होती है अतुल कोहली की। लेट 1960s एंड अर्ली 1970s में हमारे पास एक चमकता हुआ काम आएगा, वो है अतुल कोहली। अतुल कोहली कंपैरेटिव इंडियन स्टेट में स्टडी में माने जाते हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एनटीए यूजीसी नेट का बहुत बेस बनते हैं, एंड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू व्हेन आई मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। अभी ये थोड़ा आपको प्रिपेयर करने के लिए कि स्कॉलर्स कौन हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, सो आई डू अतुल कोहली अ लिटिल इन डिटेल, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि भारत में एक और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह कह लो, एक धब्बा कह लो, वो रूरल अर्बन डिवाइड था, यानी
जो ग्रामीण इलाके हैं और जो शहरीकरण है, उन दोनों के बीच में जो इतना बढ़ता फासला था, वो भारत की गरीबी का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिकेशन था। एंड उस काम को डील करता है आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय कंपेरेटिवली काफ़ी न्यू थिंकर है, बट अगेन अ टॉप नॉच थिंकर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। एंड इनका भी नाम NTA UGC नेट में बहुत देखने को मिला है। तो जहाँ तक आप गरीबी की बात कर रहे हो, हमारे समाज में जो रायट्स हो रहे हैं, गरीबों को कुचला जा रहा है, ये सब कुछ आपको आशुतोष वार्ष्णेय की किताबों में ज़रूर मिलेगा। तो जहाँ रूरल और अर्बन डिवाइड की बात आती है, ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में जो फर्क है भारत में, जो राइजिंग गैप है, दैट इज डेल्ट बाय आशुतोष वार्ष्णेय। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ गुड इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द स्कॉलर्स। ऑन टिप्स इफ आई वॉन्ट टू रिवाइज देम, तो मेरे पास कुछ खास नाम है। रजनी कोठारी कौचनिक है मेरे पास अतुल कोहली है, आशुतोष वार्ष्णेय है, पॉल ब्रास है, मायरॉन मॉरिस जोन्स वगैरह हम अभी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने दो एलिमेंट्स को कैसे जोड़ा, यानी हमने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को और मॉडर्न आइडियाज़ को भारत के कल्चर में दिखाया कैसे, कनेक्ट कैसे किया, एंड फॉर दैट मैटर हमारी ये स्टडीज़ कैसे सामने आई। जब हम भारत को एक नया चेहरा देने की बात करते हैं कल्चरली, रिलीजियसली या फिर स्टडीज के मामले में, तो गाइज आई हैव टोल्ड यू दिस अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कि हमारे पास मायरॉन वीनर से बड़ा कोई स्कॉलर नहीं है। मैं ये बात अपनी प्लस क्लासेस में बहुत बार डिस्कस करती हूँ। मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, जो लोग नहीं आते हो प्लस क्लास में, दैट आई ऑलवेज टेल यू कि अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, जहाँ आप ब्लैंक हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार, हर क्वेश्चन का आंसर पहली बात कोठारी नहीं होता, ये बात याद रखना। कोठारी इज कांग्रेस सिस्टम एंड फंक्शनलिस्ट अप्रोच, बट मायरॉन वीनर इज द आंसर टू 98% ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के क्वेश्चंस, क्योंकि वो पहला बंदा है, ठीक है, पहला। इससे पहले कोई ऐसा साउथ एशिया में पढ़ने वाला स्कॉलर था ही नहीं। ये 20th सेंचुरी के एंड की बात है। अब आप मानो कि भाई मैम, आप मायरॉन वीनर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था जहां मैंने बीच में कांग्रेस सिस्टम डाला था और मैंने बोला था ये हमें प्रेशर ग्रुप है जो हमें तंग कर रहे हैं। पर याद रखना, मेरे पास ऑपोजिशन नहीं है इस देश में, कांग्रेस सिस्टम के दौरान की बात कर रही हूं, ऑपोजिशन नहीं है मेरे पास। और जिस देश में डेमोक्रेसी हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो और ऑपोजिशन ना हो, उस देश में सक्सेस के चांसेस सबसे कम होते हैं। मायरॉन वीनर ने इसी पोजिशन पर अटैक करा। सबसे पहले उसने अटैक करा भारत की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये उसने करा जब उसने 1957 में सबसे पहले अपना एक आर्टिकल छापा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और तब उसने जो बनाया था ना, ये जो उसकी स्टडी थी ऑपोजिशन को लेकर भारत में, वो बेस्ड थी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मंत्रियों के इंटरव्यू पे। और याद रखना, यहां किसकी बात चल रही है? यहां बात नॉन कांग्रेस पार्टीज की चल रही है। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास M.N. रॉय जैसा भी एक स्कॉलर थिंकर था जो हमें CPM का आइडिया देकर गया था, जिसने हमें कम्युनिस्ट पार्टी दी थी और कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू हम लोगों को बहुत एक सब एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपोजिशन का एलिमेंट मिला था। वेस्ट बंगाल इस इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। तो जो लेफ्ट पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, बड़े नेता थे, मंत्री थे, उनसे पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू करने के बाद मायरॉन वीनर ने अपनी इस आर्टिकल को पब्लिश किया। तो इसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी तगड़ी थी, इसका कभी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई था, बिकॉज ये प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड था। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना कि उनको, मायरॉन वीनर के मन में ये था कि पहले जो लोगों का कास्ट पर निर्भरता था या ट्राइबल पॉपुलेशंस पर निर्भरता थी कि नहीं जी हमारे गुरु हैं या हमारी ट्राइब में तो ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही करेंगे, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो किसी तरीके का सुपरस्टिशन हो, चाहे वो लोगों को कुछ हर्ट करना हो, कुछ भी कहो, या राजनीति हो, ये सारा एजुकेशन की वजह से खत्म होता जा रहा था। जैसे जैसे भारत में एजुकेशन के एलिमेंट्स मजबूत होते गए, वैसे वैसे पॉलिटिक्स जो है अलग अलग जगह से मर्ज होने लगे, लोगों को पॉलिटिक्स करने के और जरिए नजर आते
गए। तो अब क्या होने लगा, मैरोन वीनर को एक बात समझ आई, एक स्पेशल बात, वो सिर्फ भारत की ही है, ध्यान देना इस बात पे। मैरोन वीनर ने नोटिस करा भारत का आधे से ज्यादा पॉलिटिक्स एक नेता की लॉयल्टी निकालने में निकल जाता है। फलाना ने हमारे साथ 4 साल पहले ऐसा किया था, हम इसी को वोट डालेंगे। यू रियली डोंट केयर अबाउट आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी कौन सी है, या फिर किस तरीके का क्या बोलते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट है। हमारा जो मेन कनेक्शन था, जो मेन लगाव था, वो एक लीडर को लॉयल्टी पेश करने पे था, एक लीडर को हाथ जोड़ने पर था, उसके पैर दबाने पर था। और ये भी अगेन वो स्टडी करता है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के थ्रू, मैरोन वीनर। तो आप नोटिस करो, जिस बात से भारत के ही स्कॉलर घबरा रहे थे, उस बात को एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की स्टडी के रेफरेंस में मायरॉन वीनर भारत में लेकर आता है, तो कैसे हम किसी और को इस स्टडी का नाम दे देंगे। सही बात है ना। हमारे लिए मायरॉन वीनर यहाँ इसलिए है बुक्स में, क्वेश्चंस में, या फिर जानकारी के पर्पस से पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि हमारे जो भारत के स्कॉलर्स नहीं करना चाहते, तो उस बंदे ने किया है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में बैठकर एक खास सिस्टम को पढ़ा, और उस दौरान मायरॉन वीनर ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस का इस्तेमाल करा। बताने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट आउटपुट एनालिसिस डेविड ईस्टन से आता है, अगेन अमेरिकन लाइट से आया हुआ है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी हाउ इंडिया वाज कनेक्टेड थ्रू दिस। एंड ऑफ कोर्स जहां इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैं फंक्शनलिज्म के साथ जोड़ दूं, तो मुझे मेरा फेवरेट और सबसे बड़े नाम का जिक्र याद आएगा, और वो है गेब्रियल एलमंड। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यूएसए में 1960s में टॉप सब्जेक्ट था, और गेब्रियल एलमंड घर घर में जाने वाला नाम था। तो मायरॉन वीनर उसी पढ़ाई को यहां लेकर आए, एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम अ हाउस नेम इन इंडिया। इसीलिए उनका जो काम है उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला। ये सब समझाया मायरॉन वीनर ने अपने एक बहुत प्रोमिनेंट किताब द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मायरॉन वीनर का जो हम टेक्स्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, ये जो इम्पैक्ट है, ये पाया जाता है एक बहुत प्रख्यात किताब द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी में। एंड इसके अलावा अगर आप जानना चाहें, तो वीनर ने एलीट और मास कल्चर को भी भारत में पढ़ा है, लेकिन कोई किताब नहीं, एक एस्से के जरिए पढ़ा है, एंड दैट इज आई थिंक इनफ व्हेन यू आर डूइंग मायरॉन वीनर। ऑफ कोर्स मेरा चैप्टर तब तक अपना फेज लाइक स्ट्रेंथ नहीं लेगा जब तक मैं मॉरिस जोन्स का जिक्र ना कर लूं। भारत में सरकार और राजनीति का जिक्र करने वाला मॉरिस जोन्स 1964 में एक आइडिया पब्लिश करता है, और उस आइडिया का मकसद लैंग्वेजेस से था। अब लैंग्वेज के लिए पहले आपको अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। ब्रॉड इसलिए कि ये कोई भाषा नहीं है, ये कोई हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती वाली लैंग्वेज नहीं है, ये राजनीति की भाषा है। राजनीति की अपनी भाषा होती है। मैं आप लोगों को कुछ बात बता रही हूं, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। मायरॉन सॉरी मॉरिस जोन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 भाषा होती हैं। एक है मॉडर्न वेस्टर्न भाषा, एक है ट्रेडिशनल भाषा, और सबसे बड़ी है सेंटली ईडियम लैंग्वेज। यहीं से आपको अपना क्वेश्चन मिल जाएगा मॉरिस जोन्स का, मैं श्योर हूं। जो लोग PYQ करते हैं, जो लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते थे, उन्हें मालूम होगा कि यहां से सेंटली ईडियम का क्वेश्चन किसका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नेता किन 3 भाषाओं में लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, तो नेताओं की पहली भाषा होती है जब वो बढ़ चढ़ के संविधान, कानून, प्रशासन, कोर्ट, न्यायालय की बात करते हैं। इसे मॉडर्न वेस्टर्न लैंग्वेज कहते हैं, ये अमेरिका जैसे देशों से इंस्पायर होकर आती है। ये उनका डेवलपमेंट उस बात से है कि
हमारे लोगों को जितना ज्यादा हम भर भर कर संविधान और कानून का पाठ पढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए इंटरेस्ट बनाने में या हमारी सरकार को मजबूती मिल जाएगी उतनी। दूसरी भाषा होती है जहां पर हमारे नेता या हमारे लीडर्स पॉलिटिशियंस जाति या कास्ट के नाम पर राजनीति करते हैं, जिसे ट्रेडिशनल कहा जाता है। ये अक्सर गांव में, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्कोप होता है कि लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं कास्ट या जाति से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा वो है सेंटली इडियम, सेंटली लैंग्वेज। अब सेंटली लैंग्वेज का मतलब पता है क्या होता है? सेंट क्या होता है? धर्मात्मा हो गए, कोई ऐसे लोग हो गए जिनके अंदर पीस है, शांति है, या जो किसी गुड मॉरल मैसेजेस का कन्वे करना चाहता है, जो गुड या बैड का फर्क दिखाना चाहते हैं लोगों को, वही तो सेंट कहलाते हैं। साधु जिनकी जीवन में इधर उधर का जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस है वो नहीं है। मॉरिस जोन्स ने इस भाषा का यूज़ क्यों किया है तीसरे नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट स्केल पे? क्योंकि ये एक मिक्सचर है, तुम नोटिस करो, डेवलपमेंट होगा लेकिन लोगों को अक्सर इस बात के इफेक्ट के अंदर रखा जाएगा कि देख लो क्या सही है और क्या गलत है, गुड और बैड। और तुम्हें तो पता ही है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ऐसा हमेशा की तरह ऐसा हो कि लोग क्या कहेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, अरे इसको बुरा लग जाएगा, उसमें इंसान जब रह के काम करता है तो वैसे भी वो बंध जाता है। जब आप लोगों को गलत या सही में बांध दोगे तो लोगों को डर लगेगा अपने नेता पे सवाल उठाने में, उन्हें हमेशा वो रहेगा कि नहीं यार वो बुरा मान गया तो, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो, कहीं उसने हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं करी तो। बेसिकली यू आर पुटिंग पीपल अंडर एन आइडिया कि क्या सेंट होने का मतलब क्या है, एक आम प्यार भरी भाषा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, हमारे पास वेस्टर्न लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशनल लैंग्वेज हो गया, सेंटली इडियम लैंग्वेज हो गया, और ये तीनों ही आइडियाज जो हैं हमें कौन देता है? हमें मॉरिस जोन्स देता है। इसके बाद मेरे पास आता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और आपके पेपर के पर्पस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले स्कॉलर्स, और वो हैं सुजैन और लिलॉल्ड रुडोल्फ। ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है और इन्होंने किताब लिखी है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन 1984 में, और इन्होंने एक इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है दैट आई डोंट थिंक क्लास में कोई ऐसा है जो इसे फेल होगा समझने में, कोई भी ऐसा नहीं है इस क्लास में जो ये नहीं समझ पाएगा। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे देशों में एक जो मॉडर्निटी है उसका बड़ा डिस्टॉर्टेड इमेज है। हमारे ख्यालों में मॉडर्निटी बहुत अलग चीज़ों से जुड़ी हुई है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे खाना हो, हमारी मॉडर्निटी बड़ी डिफरेंट सेंस में काम करती है। जब हम रुडोल्फ रुडोल्फ की जोड़ी की बात करते हैं, ये भारत में कास्ट को लेकर जिक्र करते हैं। वैसे रुडोल्फ रुडोल्फ मैंने प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है कास्ट मोबिलाइजेशन के रूप में, पर ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज कराना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत में कोई किसी को इतनी मजबूती से नहीं जोड़ सकता जितनी मजबूती से भारत में कास्ट जोड़ने का काम करती है। माइंड यू, हिस्ट्री से लेकर आज तक कास्ट एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, एंड पीपल आर सो कनेक्टेड, इतने जुड़ जाते हैं वो कि फिर उनके मन में हर बात कास्ट के आसपास घूमती है। अब आप ये सोचो कि सोशल लाइफ से यही कास्ट का इम्पैक्ट अगर राजनीति में घुस जाए तो राजनीति कितनी बर्बादी के स्केल पे पहुंच सकती है। एंड दैट इज वाई दिस इज द रिजल्ट वाई एंड वाई रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ऑलवेज पॉइंटेड आउट कि कास्ट भारत में फैलता कैसे
कैसे हैं। मैंने आपको बताया भी है रुडोल्फ रुडोल्फ के अनुसार भारत में कास्ट 3 प्रकार से फैलता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिफरेंशियल। इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी प्लस में कवर कर लेते हैं या फिर हम और चैप्टर्स में कवर कर लेते हैं। सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम हियर। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया रुडोल्फ रुडोल्फ की किताबों में पाई जाती है, ताकि एटलीस्ट आपको एक एक स्कॉलर का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाए। गाइज, अभी तक जो चल रहा है ना, जितने भी पिछले के पेज हैं, चाहे वो मॉरिस जोन्स हो, चाहे वीनर हो, चाहे रुडोल्फ हो, ये बहुत कंसाइस मटेरियल है, ठीक है। और इन पे एक आधे क्वेश्चन ही आना है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस हो, या फिर ये एंट्रेंस हो जो जेआरएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। पर एक स्कॉलर ऐसा है जिसको आप लिमिट कर ही नहीं सकते हो इंडिया में, वो रजनी को उठा रही है। मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कैसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इतने सारे स्कॉलर्स में रजनी को उठारी ढंग से करा पाऊँ। सो दिस एक्चुअली आई वॉन्ट योर मैक्सिमम अटेंशन ऑन रजनी को उठारी फिलहाल, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 64 में रजनी कोठारी ने इंडिया के लिए एक स्पेशल काम किया था। उन्होंने, आप लोगों को पता ही है, ईपीडब्ल्यू बहुत फेमस है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली के जो जर्नल्स होते हैं, मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। लोग उसको रेफर करते हैं, अपनी पीएचडी रिसर्च वगैरह में यूज़ करते हैं। इलेक्शंस और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पे तो आपको, मेरे को लगता है, इंडिया के बेस्ट आर्टिकल्स आपको ईपीडब्ल्यू में मिलेंगे, अगर आप कभी पढ़ो तो, दे आर वेरी गुड। तो उस दौरान रजनी कोठारी ने 64 में ईपीडब्ल्यू में एक पाथ ब्रेकिंग आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल भारत की राजनीति पे था। और आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति भारत की राजनीति कम समझा रहा था, वो एक पार्टी की राजनीति ज्यादा समझा रहा था। वो एक्चुअली पार्टी की राजनीति ज्यादा समझा रहा था। रजनी कोठारी भारत से ज्यादा कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहा था। एंड उसका ये आइडिया इतना यूनिक था, इतना पॉपुलर हो गया, कि उस दौरान उन्हें एक कांग्रेस सिस्टम नाम का आइडिया से जाने जाना लग पड़ा। और उसके अंडर क्या कवर होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। कांग्रेस सिस्टम इतना वाइड हो चुका था भारत में कि कांग्रेस के समर्थक, उसको उल्टा बोलने वाले, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी सोच रखने वाले, प्रेशर ग्रुप, ऑपोजिशन के छोटे छोटे लीडर्स, इन सबको कांग्रेस अपने में समेट पाता था। कांग्रेस सिस्टम इतना तगड़ा था, इतना स्ट्रांग था भारत में, कि ये अपने अंदर हर किसी को समेट सकता था। और उस दौरान इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक ही परिभाषा जानी जा सकती थी, और वो थी कांग्रेस सिस्टम। अब कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम ये था, मेरी बात ध्यान से सुनना, आई विल बी अ लिटिल स्लो बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस इन वन गो। कांग्रेस के बाहर कोई दुश्मन नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि ऑपोजिशन था नहीं, जैसे वीनर ने भी पॉइंट आउट करा। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसके अंदर प्रॉब्लम थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार, उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वो अंदर से टूटी हुई थी। इतनी टूटी हुई थी कि आपको दिख रहा था बाहर से कि इनके अंदर फैक्शंस हैं, कि ये पार्टी अमीरों को ही सीढ़ी चढ़ने देगी, कि ये पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट को ही टॉप पे रखेगी, ये पार्टी परिवारवाद के अलावा रिलेशनशिप्स को पनपने नहीं देगी। पर्सनल रिश्ते राजनीति में रोल प्ले कर रहे थे। तो कांग्रेस की जो हार है वो उसकी अंदरूनी प्रॉब्लम से हुई है। किसी ने बाहर से कांग्रेस को नहीं तोड़ा, कांग्रेस ने अपने आप को खुद अंदर से तोड़ दिया था। 1970 में रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम को जब आगे समझाया, 6 साल के पूरे गैप के बाद, तो उन्होंने बोला, भारत में अकेला आज तक अगर कोई सिस्टम ऐसा आया है या आएगा फ्यूचर में, तो वो सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि इतना समय किसी और पार्टी को नहीं मिलेगा आगे जाके, किसी को भी आगे इतना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का समय नहीं मिलेगा जितना कांग्रेस को मिला है इस देश में।
और कितना बाहर कितना भी तूफान आ रहा हो, कांग्रेस इतनी पक्की ईंट बन चुकी है कि ये नहीं गिरती, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ये अंदर से टूटी रहेगी पर बाहर इतनी मजबूत होकर आती है कि ये गिरने का या टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए भारत जो है इंडियन सिस्टम या इंडियन पॉलिटिक्स के अलावा अगर जाना जा सकता है तो उसे बोलना चाहिए है कांग्रेस सिस्टम के नाम से। और उसी दौरान कोठारी ने वन पार्टी डोमिनेंस या वन पार्टी डेमोक्रेसी नाम का भी एक शब्द दिया, और ये आगे जाकर भारत की एक पहचान बन गई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों के लिए ग्रेजुएशन से लेकर अपनी एंड ऑफ स्टडी तक रजनी कोठारी की इस बात को समझना सबसे इम्पोर्टेंट बन गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सिस्टम को, इंडिया को एक नई नज़र से दिखाया था। अगर आप जानना चाहें कि क्या कोई ऐसा स्कॉलर है जिसने कोठारी के बाद भी इस बारे में बात करी है, तो मैं फिर से अपने फर्स्ट पेज को यहाँ रिपीट करूंगी। जैसे कोठारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फादर है, वैसे ही स्टैनली कोचिक उसे आगे ले जाने वाला स्कॉलर है। स्टैनली कोचिक ने कांग्रेस पार्टी की स्टडी पब्लिश करी थी 1968 में, और उन्होंने रजनी कोठारी के इसी शब्द को दोबारा से यूज किया था, और तब उन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी सिस्टम को बाहर लाकर कांग्रेस सिस्टम शब्द को वापस से रिप्रेजेंट करा। आप याद रखिएगा कि भारत में जब कांग्रेस सिस्टम पॉपुलर हुआ उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस इतनी टूटी हुई है अंदर से, कांग्रेस में इतनी राइवलरी है अंदर, कांग्रेस के एक नेता दूसरे नेता को आगे बढ़ने नहीं देते। ये बातें आज हमें मालूम है, आज हम पॉलिटिकल साइंस एमए कर रहे हैं या हम उससे आगे पढ़ रहे हैं तो हम बड़ी पॉपुलैरिटी से कह दे रहे हैं अरे हमें पता है कि कांग्रेस में क्या हाल है, हमें पता है वो इलेक्शन नहीं करने देता इंटरनल। पर ये बात तुम्हें तब पता है क्योंकि कोठारी जैसे स्कॉलर्स ने इस सिस्टम के अंदर जाकर इसे पढ़ा है, और किसी को ये मालूम नहीं था कि इसके अंदर इतना टूटा हुआ है, इतने फैक्शंस, इतनी राइवलरी है। तो बेसिकली कोठारी जब फैक्शंस बताते हैं तो वो फैक्शन वर्ड नहीं यूज करते, पॉल ब्रास ही यूज करता है वो तो खैर, पर वो बताते हैं इनर पार्टी कॉम्पिटिशन या इंटर पार्टी कॉम्पिटिशन। ऐसे जब आप ढूंढना चाहो कि फैक्शन शब्द भारत में कब यूज हुआ, तो जैसा मैंने पहले बोला पॉल ब्रास, पॉल ब्रास ने स्टडी करा है यूपी, उसने स्टडी करा है वेस्ट बंगाल, उसने स्टडी करा है नॉर्थ इंडिया का पूरा पॉलिटिक्स, और आप भी पता ही है, आपको भी मालूम ही है। और कौन है जो जो है क्या बोलते हैं इसको समझा सकता है, इस पॉलिटिक्स को स्टडी कर सकता है सिवाय यूपी जैसे राज्य के? ठीक है, यूपी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं गांव से लेकर बड़े स्तर तक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और यूपी पढ़ते हुए पॉल ब्रास को एक एहसास हुआ जो कि बहुत फेमस है, मैं आपको बताना चाहूंगी इस बारे में। चाहे आप मायावती को ले लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री को ले लीजिए जो कि रीसेंट हिस्ट्री है, उसके अलावा अगर आप पहले वाली जिक्र करते हो लाइक द अर्लियर यूपी पॉलिटिक्स, तो गुरु चेला की पॉलिसी थी वहां पर, गुरु और चेला, चमचा, चेला भी नहीं कहूंगी मैं, चमचा कहूंगी, क्योंकि यूपी में हर एक गांव हर एक कस्बे में कोई एक नेता था, कोई एक गुरु था जो मार रहा था या बूथ कैप्चरिंग कर रहा था या वोट दिलवा रहा था जबरदस्ती अपने नाम के, और उसके अंधे भक्त थे पीछे, वो उसे ऐसे पूजते थे, वो अपने गुरु के इतने दीवाने थे कि उनके लिए राजनीति या इलेक्शन या पॉलिटिक्स मैटर नहीं करता था, उनके लिए डिवोशन मैटर करता था। जैसे आप भगवान से जुड़े हुए हो, वो राजनीतिक गुरु से जुड़े हुए थे। तो आप ऐसा सोच लो कि उनको क्या फर्क पड़ता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में कौन आ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अंटिल एंड अनलेस उनका गांव में पेट भरा जा रहा है, उनको अल्कोहल सप्लाई खुला मिल रहा है, उन पे रोक टोक नहीं है, या उनकी लाइफ जो है बिना पाबंदियों के और अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ चल रही है गांव में, तब तक वो उस पर्टिकुलर नेता के या उस बाहुबली के या उस टॉप लीडर के हाथ पैर चाटने को बिल्कुल तैयार बैठे रहते थे। और इसी को डिसाइपल और गुरु वाली थ्योरी से जाना जाता है, जो पॉल ब्रास देते हैं फैक्शंस के रूप में। और फिर वो ये समझाते हैं कि इससे फैसले लेने में बड़ी मुश्किल होती थी यार। अब कांग्रेस को तो पता नहीं यूपी के अंदर क्या चल रहा है, और कांग्रेस के नेता ठहरे उच्च स्तरीय एकदम, मतलब क्लासिकल
टॉप लीडर्स जिनके घरों में पैसे की कमी नहीं है, जो मॉडर्निटी के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इंडिया के बाहर जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या जाने भारत के अंदर क्या चल रहा है। तो कास्ट, क्लास, धर्म, लैंग्वेज, जो ये प्रॉब्लम है, ये कैसे करोगे डील, इसे कैसे सॉल्व करोगे। उस दौरान कांग्रेस क्या करने लगी, छोटे छोटे नेताओं को स्पॉन्सर करती थी, छोटे छोटे नेता, स्पेशली इंदिरा गांधी की अगर बात करें, छोटे छोटे नेता स्पॉन्सर कर देती थी, यहाँ खड़ा हो गया इसको बचा लिया, इस यहाँ खड़ा हो गया इस जाति को बचा लिया, तो चलो एससी नाराज है, एससी के नेता को सीट दे दो, इस बारी टिकट दे दो, वो एससी वालों को खुश कर देगा। अच्छा ओबीसी नाराज है, चलो 10% रिजर्वेशन दे दो, ओबीसी नेता खड़ा कर दो, वो खुश हो जाएगा। फैक्शंस कम होने की बजाय भारत में फैक्शंस बढ़ते जा रहे थे, भारत में गैप इतना बढ़ता जा रहा था कि इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि पॉल ब्रास कितना समझाते रहे समझाते रहे, फिर भी पॉल ब्रास जो है इस बात का जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाए, क्योंकि भारत की रग रग में बसा हुआ था। फाइनली पॉल ब्रास ने अपना कॉन्सेप्ट बदला और उन्होंने फैक्शनल पॉलिटिक्स की जगह, जो कि उनका सबसे फेमस काम है, उन्होंने इसकी जगह रिलीजन पॉलिटिक्स पे काम करनी, रीजनल पॉलिटिक्स पे काम करना शुरू कर दिया, सॉरी रीजनल पॉलिटिक्स पे काम करना शुरू करा बाद में उन्होंने, ठीक है। सो थोड़ा सा पॉल ब्रास की जिंदगी का हम लोगों ने काम देखा, एंड ऑफ कोर्स अनडाउटेडली आई विल नेवर कंप्लीट द चैप्टर विदाउट टॉकिंग अबाउट अतुल कोहली। वैसे मैं ना भी करवाती तो चल जाता, बट रीजन बींग यहाँ JRF प्रिपेयरिंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर एंट्रेंसेस, तो उनके लिए अतुल कोहली करना ज़्यादा ज़रूरी है। अतुल कोहली का एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, और ये 1987 में लिखी गई थी, ठीक है। स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया में अतुल कोहली आपको जो है ये बताते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप कैसे काम करते हैं, और यू नो इंडियन पॉलिटिक्स में अलग अलग क्लासेस कैसे काम करती हैं, अलग अलग रिसोर्सेस कैसे काम करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, कैन यू सी द क्लास, आई कांट सी द क्लास। ओके या कंटिन्यूइंग व्हाट आई वाज टॉकिंग, आई थिंक अभी क्लास चल रहा होगा। सो स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया की जब बात करते हैं, तो अतुल कोहली जो है डेवलपमेंट की बात करने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं एक्सेट्रा। उस दौरान वो भारत में गरीबों पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन का फर्क पड़ रहा है एंड कैसे स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है इंडिया में, इस बारे में देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि जो रूलिंग पार्टी है ना सेंटर पे, वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो लोग क्या पार्ट क्या जो हाँ जो आइडियोलॉजी है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, या वो पुअर के लिए किस तरह की डेवलपमेंट पॉलिसीज दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि अतुल कोहली ने ऐसा क्या दिया है जिसके लिए उन्हें इतना जाना जाना चाहिए है, वो ये है कि उन्होंने जब डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट लिखी थी ना 1991 में, जब उन्होंने डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट की किताब लिखी थी, उस दौरान उन्होंने 3 लेवल पर भारत को पढ़ने की बात करी थी। एक था रीजनल लेवल, एक था डिस्ट्रिक्ट लेवल, और एक था नेशनल लेवल। तो अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हें एक कंपैरिजन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी होनी चाहिए, नेता और मंत्री कैसे काम करने चाहिए, गरीबों को डेवलपमेंट कैसे देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दैट इज वाई अतुल कोहली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि ये अतुल कोहली से आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा उनकी जो 2 बुक्स मैंने मार्क कराई हैं ऊपर, ये सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन है। सो अतुल कोहली डील्स विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल कंप्लीट द चैप्टर बाय डूइंग फ्रांसिस फ्रैंकल। फ्रांसिस फ्रैंकल का क्वेश्चन मैंने ना ऑब्जर्व करा है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा हायर लेवल है बट इट इज़ वेरी नाइस। ये नेहरू के रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ है, नेहरू के टाइम के रिफॉर्म्स जो थे उनको डिस्कस करता है, और उसमें फ्रांसिस फ्रैंकल ने एक बहुत अहम बात करी है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे। फ्रांसिस फ्रैंकल ने एक यूनिक बात ये कही है कि भारत की जो अपनी पॉलिसीज है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो वो सबसे ज्यादा असर इंटरनेशनल फील्ड से देखती हैं।
कहते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपनी पॉलिसीज में हमेशा बाहर का प्रेशर या इंटरफेरेंस देखता आया है, हमेशा लोग इंटरनेशनली इंटरफेयर या प्रेशर करते आए हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, मिल्क रेवोल्यूशन हो, या मतलब वाइट रेवोल्यूशन, या पॉलिसीज हो, या 5 ईयर प्लान हो। भारत के जैसे देश में हमेशा ही इंटरनेशनल इफेक्ट बहुत देखने को मिला है, इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप बड़े एक्टिव रहे हैं, वो आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो। अभी भी टाइम रहते लगातार भारत का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनली प्रेशर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल विच वॉज मेंट फॉर टूडेज सेशन। आई होप तुम लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। एज ऑल ऑफ यू आर आस्किंग मी अ बुक फॉर दिस, देर इज नो बुक विच यू कैन यूज टू स्टडी दिस, स्पेशली इंग्लिश में तो, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं मालूम है मुझे। सो आई एम रियली सॉरी, आई कैंट हेल्प यू विद दैट। यू कैन यूज दिस PDF, दिस इज मोर देन इनफ टू कवर। किताब आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर यू गाइज। सो आई होप दिस वॉज फन एंड यू लर्न समथिंग न्यू। ऑल्सो आई कॉन्ट सजेस्ट अ गुड इनफ बुक जो आपको कन्फ्यूज करने का काम ना करे बल्कि पढ़ाई में मदद करे। सो ऑल आई वुड सजेस्ट यू इज रीड द PDF, दिस इज गुड। मेरा नया कोर्स 12 मई को स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से, एंड रेफरल कोड है सुप्रीत लाइव। इससे आप अन अकेडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर डिटेल्स। थैंक यू सो मच, आई लीव यू हियर, आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, यार कर लो सब्सक्राइब, इट इज गोइंग